वेलकम टू हमारी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन एंड ग्रीन ग्रेवी। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। इसमें मैं ये मसाला बनाऊंगी, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया, 8-10 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियाँ, ये ब्लांच पालक है जिसे मैंने ब्लांच करके अच्छे से पानी निकाल दिया है, 1 टेबल स्पून होगा, अदरक का टुकड़ा, गरम मसाला है ये 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर, एक बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का 1 टीस्पून, ज़ीरा 4-5 लौंग। यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बहुत कम पानी से के साथ ग्राइंड किया मैंने इसको। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने दही को हंग करके रखा था, इसका पानी पूरा निकाल लिया मैंने। देखिए 2 टेबल स्पून दही होगा, 1 लाइम जूस डालूँगी इसमें, 1 टेस्ट के हिसाब से, पिंक सॉल्ट है ये, मिक्स करेंगे मसाले को अच्छे से। यहाँ पर मैंने चिकन को मसाले से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी मैं, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इसे मैरिनेशन में रखने से पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर सरसों का तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट होके 4 से 5 घंटे हो गए थे। अब मैं इसमें ग्रिलिंग पैन में फ्राई कर लूँगी उसको। दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे हम इसे ताकि उसके ऊपर ग्रिलिंग के मार्क्स आ जाएं। जब तक हमारी चिकन पक रही है हम अपना ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं। चिकन को मैंने दूसरे बर्तन पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसे मैंने दूसरा पैन रख लिया है। इसमें मैं ये 10-12 काजू हैं, 1/2 टीस्पून सेंग है, ये 1/2 टीस्पून जीरा, और ये नारियल का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1/2 टीस्पून। यहाँ पर ये रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने सेम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं स्प्रिंग अनियन वाइट पार्ट है वो डालूँगी। स्प्रिंग अनियन ग्रीन, थोड़ा सॉटे करेंगे। प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया, ये 1 कप प्याज थी। अब इसमें मैं हैंडफुल ऑफ पालक के पत्ते डालूंगी, इसको भी सॉटे करूंगी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी,
पर देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे ग्रिलिंग मार्क्स आए हैं इसके ऊपर। ऐसे ही मैं बाकी सारी चिकन को फ्राई कर लूँगी। जैसे ये स्प्रिंग अनियन और पालक का मिक्सचर ठंडा हो जाता है, मैं इसको काजू जो हमने फ्राई किए थे काजू का मिक्सचर उसके साथ, और फिर यहाँ पर मैंने 10-12 ग्रीन चिली ले लिए, थोड़ा सा पुदीना, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च लूँगी मैं, इन सब मसालों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, चार पांच लहसुन की कलियों को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है, इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। यहाँ पर लहसुन ने कलर चेंज कर लिया है, इसमें मैं जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो डाल दूंगी, फ्लेम को स्लो करूंगी। इस मसाले को हमें थोड़ी देर तक अच्छे से भूनना है। यहाँ पर देखिए ग्रेवी को भूनते भूनते पूरा हाफ हो गई है, तेल भी छोड़ दिया इसने। अब इसमें मैं फास्ट कर दूंगी गैस को, 1 कप पानी डालूंगी, जैसे इसमें बॉईल आता है मैं इसमें फ्राई की हुई चिकन डाल दूंगी। यहाँ पर ग्रेवी में बॉईल आ गया, अब इसमें मैं चिकन के पीसेस को डाल दूंगी। जो इसका ऑयल है वो भी इसमें डाल दूंगी। मिक्स देंगे अच्छे से। इसे 5 मिनट के लिए मैं स्लो फ्लेम पर ढककर पकाऊंगी। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए, अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, एक मिक्स दूंगी। और हम सर्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए चिकन इन ग्रीन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।